तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के लिए एक बहुत ही गजब की ट्रिक्स के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप सभी को पसंद आएगी। तो गाइस, आज की जो ट्रिक है वो वीवो फ़ोन में तो वर्क करेगी करेगी, बट मैं क्योंकि सिर्फ वीवो के फ़ोन में आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने वीवो लिखा है। बट ये आपका कोई भी फ़ोन हो, सभी में काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी और काफ़ी मज़ेदार ये ट्रिक्स है। तो कैसी है आज की इस वीडियो, आपको यही बताने वाला। तो गाइस देखिए, एक एप्लीकेशन का लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद में जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड सिलेक्ट पासवर्ड या फिर पैटर्न जो भी डालना चाहे डाल लें। तो चलिए मैं यहाँ पर एक पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, दोबारा से इसको कन्फर्म कर देना है, हमने पासवर्ड डाल दिया। यहाँ पर आप कोई भी जीमेल डाल सकते हो फालतू का, @ तो मैं यहाँ पर एक फालतू ईमेल डाल देता हूँ। ठीक है, जो और ईमेल नहीं डाला फिर भी मैंने बैक कर दिया, देखिए ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में गाइज आपको यहाँ पे अपना व्हाट्सअप ओके कर देना। चलिए मैं एक दो एप्लीकेशंस कर देना। ये गाइज ये पासवर्ड नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से परमिशंस दे देनी है, अलाउ कर देना है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि पासवर्ड तो हम अपने फ़ोन से भी लगा लेंगे, ये पासवर्ड नहीं है। आप ध्यान से वीडियो को पूरा देख लीजिए, स्किप मत करना। देखिए यहाँ से ही लॉक हो गया। अब और भी एप्लीकेशन करना चाहो तो आप कर सकते हो, फिलहाल मैं एक ही एप्लीकेशन कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा क्या है वो आपको आगे वीडियो में पता चलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर रुकिए, मैंने जो था वो पासवर्ड कर लिया, इसको फिर से पासवर्ड ला। अब यहाँ पे ये लॉक हो गया था, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना थ्री लाइन पे। ठीक है, और चेंज सिक्योरिटी, और आपको यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है। टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है ये 1 कर देना। ठीक है, ये यहाँ पर 2 होता है, इसको माइनस करके 1 कर देना। उसके बाद जो है हमारी जो है सेट हो चुकी है। अगर आप फिर से फिंगरप्रिंट से भी यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना इसे छोड़ सकते हो। ठीक है, मैं फिंगरप्रिंट से यूज़ नहीं करूँगा। अब उसके बाद गाइज देखिए, जैसे आप व्हाट्सएप अपना ओपन करते हो, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, पासवर्ड मांगेगा। अब मैं एक बार आपको फिंगरप्रिंट भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। चलिए ठीक है, आप फिंगरप्रिंट करोगे तो आपसे दोनों मांगेगा और यह पासवर्ड मांगेगा। अब आपको यहाँ पे मान लीजिए आप सोए हो, या फिर आपने अपना फ़ोन कहीं चार्ज पे लगाया, या फिर आपके पास आपका फ़ोन नहीं है और आप चाहते हो कि आपका कोई व्हाट्सएप ओपन ना करे, और ओपन ठीक है, और फिर भी आपका फोन कोई व्हाट्सएप ओपन करने की कोशिश करता है, तो चलिए मान लीजिए उसको पासवर्ड तो पता नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो रॉन्ग पासवर्ड डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही कोई रॉन्ग पासवर्ड डालेगा गाइज, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, और उस इस तरीके का कुछ अलार्म बजने लगेगा। क्यों? और ये अलार्म तब तक बजेगा गाइज जब तक आप सही पासवर्ड नहीं डालोगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इससे फ़ायदा क्या है भाई? जिससे फ़ायदा ये है कि कोई भी अगर आपका फ़ोन यूज़ करता है तो उसको पता चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसको वन कैसे होगा। ये तब तक वन नहीं होगा जब तक आप सही पासवर्ड नहीं डाल दोगे। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे सही पासवर्ड डाला तो ये वन हो गया। तो इससे ये फ़ायदा कि आपका अगर पीछे अगर आपका कोई फ़ोन छूता है तो यार आप कितना भी दूर हो, अचानक से उसको पता आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके फ़ोन को कोई छेड़ रहा है, और आप उसे आसानी से चेक कर सकते हो। तो ऐसे ही आप अपने किसी भी वीवो डिवाइस या फिर किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में इस ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।